दो सदस्य आज बने हैं और दोनों ही विधायक महोदय के गुट के ही हैं, विधायक महोदय के आशीर्वाद से बने हैं ऐसा समझा जा रहा है। मैं जानूंगा विधायक विनोद भ्याना जी से कि आप जालंधर बहुत जाते हैं और जालंधर से ही लौट के आए हैं रात को। ये वित्त कमेटी के सदस्य, वाइस चेयरमैन और वित्त कमेटी के सदस्य आपके आशीर्वाद से बने, कैसा लग रहा है कि नगर परिषद में काम युद्ध स्तर पर चलेगा क्योंकि वित्त कमेटी के सदस्यों ने डिसीजन लेने होते हैं और आपके आशीर्वाद के साथ ये दोनों सदस्य आज बनकर गले में माला डालकर आए। राजीव जी, ये मेरे आशीर्वाद से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बने हैं ये दोनों। हमारे जो चाहे वो मजोका जी हैं, चाहे हमारी बेटी शकुंतला जी हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों के आशीर्वाद से। ये अलग बात है कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी के हमारे ही कुछ पार्षदों ने इसमें मेंबर बनने की इच्छा व्यक्त की। देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है और अपने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो अपने प्रयास करता है। उन्होंने भी प्रयास किए, मगर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की जितनी टीम थी वो इनके साथ थी। उन्होंने दूसरे लोगों से हाथ मिलाया, मगर सही मायने में आज पूरा का पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का ही परिणाम है कि आज हमारे दोनों वित्त कमेटी के सदस्य, चाहे हमारे धर्मवीर मजोका जी हैं, चाहे हमारी बहन हमारी बेटी शकुंतला जी हैं, ये दोनों सभी पार्षदों के आशीर्वाद से, पूरे हाउस के आशीर्वाद से ये आज जीत करके आए हैं और दोनों वित्त कमेटी के सदस्य बने हैं। और मैं आपको बता दूं, वित्त कमेटी जो है एक बड़ी पावरफुल कमेटी है। हरियाणा सरकार ने वित्त कमेटियां इसलिए बनाई हैं कि शहर में जो भी विकास कार्य होंगे, जो भी वित्त के संबंधित कार्य होंगे, उसमें 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी है। अप टू वन करोड़ 1 करोड़ तक के काम ये वित्त कमेटी ही पास करेगी। उसमें 5 सदस्य हैं जिसमें चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, हमारे ये दोनों जो पार्षद जो वित्त कमेटी के सदस्य बने हैं और एक ईओ या सेक्रेटरी जो भी जहाँ पे नियुक्त है। इन 5 में से 3 जो भी काम को रिकमेंड करेंगे 1 करोड़ रुपए का तक का, वो काम अप्रूव किया जाएंगे। उससे ज़्यादा ये प्रस्तावना भेजेंगे उससे ज़्यादा ये प्रस्तावना भेज देंगे और 1 करोड़ तक की इनकी पावर में है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी पावरफुल कमेटी है, शहर के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी कमेटी है और मुझे खुशी है कि ये लोग निश्चित तौर पे शहर का विकास चाहते हैं, इसलिए हाउस ने इनको मेजॉरिटी से इनको सदस्य चुना है और निश्चित तौर पे ये विकास को अपने मद्देनज़र रखते हुए और शहर के विकास की ओर आगे कदम बढ़ाएंगे। कुछ विकास कार्य रुके हुए थे अब तक जो कमेटी का गठन न होने के कारण, अब युद्ध स्तर पर चलेंगे क्या? बिल्कुल चलेंगे। इस कमेटी के गठन का इंतज़ार था हमारे, काम काफ़ी, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी काम रुके हुए थे और आज वो वित्त कमेटी बन गई। अब निश्चित तौर पे इनका मकसद भी यही है और शहर का भी यही मकसद है कि विकास कार्य तिरोगति पकड़े और निश्चित तौर पे अब अजय सैनी एक हनुमान है बीजेपी के और आपके भी हनुमान के रूप में जाने जाते हैं पूरे शहर के अंदर। उनकी धर्म पत्नी शकुंतला सैनी बनी है, क्या परसेप्शन रखते हैं उनके बारे में? मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जिस तरह मैं छोटा सा सिपाही हूँ, इसी तरह ये भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, चाहे अजय जी हैं, शकुंतला जी हैं, चाहे हमारे धर्मवीर जी, और भी जितने पार्षद आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से जीत के नहीं आया, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और आज पूरी मेजोरिटी के साथ हमारे ये मीनू मोहाल जी हैं, बेशक ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नहीं जीते, मगर आज ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए, आस्था रखते हुए इन्होंने इनको जिताने का काम किया। हमारे कुछ आस्था रखते थे, उन्होंने हराने का भी काम तो कोई बात नहीं, वो तो उनकी, मैं कह रहा हूँ ना, अपनी एक इच्छा होती है कि मैं भी ये सेवा दे सकूँ, वो अलग बात है कि उनको ये कामयाबी नहीं मिली। चलो, कामयाबी ध्याना साहब आपकी भी, तौर पे सारे मिलजुल के काम करें, आपकी भी कामयाबी है वाइस चेयरमैन में और दो ये सदस्य बनाने में। बाय चांस चेयरमैन तो चलो डायरेक्ट इलेक्शन था उसका। बहुत बहुत धन्यवाद एन शकुंतला सैनी, अजय सैनी जी की धर्मपत्नी। सबसे पहले मैं जानूंगा कि 2 ऐसी मीटिंग हुई थी पिछली बार, हंगामे की भेंट चढ़ गई थी, इस बार आपको विजय श्री मिली है और वित्त समिति की एक बहुत बड़ी
अहमियत होती है और उसकी मेंबर बनी है, कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वो विधायक श्री विनोद व्याणा जी, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बंसल जी और सभी पार्षदों का चिन्ह बनाइए। हाँ जी, सभी पार्षदों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय सैनी जी से जानूंगा, आप पार्षद भी रहे हैं और आप धर्मपत्नी हैं और एक उनको पद मिला है संवैधानिक रूप से और ये वोटों से जीत के आई हैं, ऐसे नहीं है कि भी, कैसा लग रहा है कि भी नगर परिषद के कार्य कैसे चलेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे हांसी के विधायक श्री विनोद ज्ञान जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। उनके आशीर्वाद से आज हमने ये विजय प्राप्त की है और मेरे जो पार्षद साथी हैं हमारी टीम के, उन सबका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। इन सब का सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब हरिराम भाई और सभी मेरे पार्षद साथियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और रेवत विकास कार्य की तो मैं विधायक जी को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके साथ कंधा से कंधा मिला के शहर के विकास करवाने में उनका साथ देंगे। हम मेरे साथ हैं धर्मवीर मजोका उर्फ काला, दोनों काले के अजय सैनी काला, धर्मवीर मजोका उर्फ काला, वार्ड नंबर 14 से। कितना खुशी का इजहार महसूस कर रहे हैं विधायक महोदय ने तो आपका नाम? खुशी का मजा तो इतना है कि सभी पार्षद भाई बिल्कुल खुश हैं, एकदम से बढ़िया। सबसे पहले हमारे विधायक श्री विनोद व्याणा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया है और उसके बाद अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी मेरे पार्षद भाइयों का मेरे साथ रहा और उन्हीं के आशीर्वाद से फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना। विकास कार्यों की गति बढ़ा देंगे, विकास कार्यों की जड़ी लगा देंगे जी। नमस्कार, आज सर हमारी जो नगर परिषद हांसी की जो मीटिंग थी उसमें दो एजेंडे रखे हुए थे। एक तो हमारा जो वित्त वर्ष जो 2023-24 का जो बजट था वो रखा है और एक फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के जो दो पार्षद हैं वो उनका जो चुनाव होना था वो आज करवाएं। इसमें से आज जो बजट भी अप्रूव हो गया और हमारी जो कमेटी के थे जो पार्षद है वो भी बन गए। इसमें चुनाव प्रक्रिया हमने अडॉप्ट करी है। इतने यानी कि पार्षद चेयरमैन सहित कितने पार्षद रहे? इसमें प्रधान जो कमेटी में, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी में प्रधान, वाइस प्रधान, ईओ और हमारे डीएमसी साहिबान, वो सरकार के द्वारा पहले से ही चाहे उसमें मनोनीत है और दो जो जो बोर्ड है जो जो इलेक्टेड बोर्ड है उनमें से दो पार्षदों का चुनाव आज होना था। आज उस क्रम में जो चार पार्षदों ने अपना इसमें वोटिंग में भाग लिया, एक प्रीति बिडलान, सुनील सैनी, शकुंतला राणी और धर्मवीर। प्रीति बिडलान को 12 वोट मिले, सुनील सैनी को 12 वोट मिले और शकुंतला को 17 और धर्मवीर मजोका को 15 वोट मिले। इसमें इस कमेटी में शकुंतला राणी और धर्मवीर मजोका जो निर्वाचित हुए हैं सबको मिला के, तो अब ये अपने स्तर पर ये काम करेंगे, विकास करवाएंगे शहर में जो भी है विकास कार्य उसकी। धन्यवाद राजा राम जी, 1 करोड़ के कार्य ये समिति करवा सकती है, फाइनेंस कमेटी एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी, और दो विजयी हुए हैं शकुंतला सैनी वार्ड नंबर 4 से और धर्मवीर मजदों का वार्ड नंबर 14 से। देखते रहिए हाँ से क्या